न्यू सॉफ्टवेयर किंग आपके लिए लाए हैं स्मार्ट टीवी रिपेयर वर्कशॉप। सभी ब्रांड की एलईडी और स्मार्ट टीवी रिपेयर सर्विस अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। आईएसओ सर्टिफाइड वर्कशॉप फॉर स्मार्ट टीवी। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा एलईडी पैनल, स्क्रीन रिपेयरिंग, वो भी बॉन्डिंग मशीन द्वारा। स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स सिर्फ 5 दिनों के लिए। हमारे यहाँ मोबाइल के डैमेज स्क्रीन को सुधारा जाता है। न्यू सॉफ्टवेयर किंग, सेकेंड फ्लोर, रवि भवन, रायपुर। मोबाइल 9939398500। पैनासोनिक टू टाइम ब्लिंकिंग। सो गाइस, इस वीडियो में हम पैनासोनिक के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ पे पैनासोनिक में कुछ ब्लिंकिंग आते हैं। सो यहाँ पे पैनासोनिक में जो हमारे पास टीवी है ये 40 इंची का है, तो इसमें टू टाइम रेड लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है। सो ये ब्लिंकिंग हम लोग सॉल्व किया। दो मेथड है इसका सॉल्व करने का। सो फर्स्ट स्टेप, आप यहाँ पे जो पावर सप्लाई और इन्वर्टर लगा हुआ है इसमें वोल्टेज ले लो कि ये दोनों प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, सारी की सारी वोल्टेज को चेक कर लेना है। अगर इन्वर्टर में वोल्टेज आउटपुट नहीं होता है तो इन्वर्टर को चेंज कर देना है, एक ऑप्शन। बट यहाँ पे हम लोग कुछ दूसरा ऑप्शन, हमको यहाँ पे प्रॉब्लम मिला है। सो हम लोग दूसरा किसी सिस्टम से इसको बाईपास किया। जो मेथड है वो हम लोग बता रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट तो आपको पूरा पावर सप्लाई का भी वोल्टेज चेक कर लेना है कि ये ठीक ठाक आउटपुट कर रहा है कि नहीं। ओके, सो इन्वर्टर का वोल्टेज भी ओके है, पावर सप्लाई का भी वोल्टेज ओके है। दूसरा चीज़ है, आपको इसका जो बैकलाइट है उस बैकलाइट को एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे बैकलाइट साइड में इस्तेमाल करते रहते हैं इन लोग। जो एक सिंगल स्ट्रिप यूज़ किया है यहाँ पे, देखिए जो पैनासोनिक का सिस्टम है यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रिप इस्तेमाल किया। सो इसको मेन बोर्ड के साथ कनेक्टेड ही होना चाहिए, और उसके बाद इसको एक बार पावर ऑन करके चेक करना है कि ये जो एलईडी है सारी की सारी ओके है कि नहीं। यहाँ पे देखिए कुछ एलईडी यहाँ पे फ्यूज हो गया है, जिसके लिए हमारा जो टीवी है ये प्रोटेक्शन में चल रहा है। ओके, इसको फिक्स करने के लिए दो मेथड है। एक तो आप एलईडी स्ट्रिप को चेंज कर दो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है, इस एलईडी स्ट्रिप में जो जो एलईडी इस्तेमाल किया है वो 8 वोल्ट का एक एक एलईडी है। यहाँ पे काफ़ी सारा ख़राब हुआ है, जो हमारे पास ये एलईडी स्ट्रिप भी अवेलेबल नहीं है और एलईडी भी, जो एलईडी लगा हुआ है 8 वोल्ट का वो भी अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग इसमें दूसरा एक मेथड इस्तेमाल किया, जो मार्केट में लोकल एलईडी मिलता है, हम उस एलईडी को इस्तेमाल किया। सो इस लोकल एलईडी को यूज़ करने से पहले आपको जो इसमें प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन रिमूव करना पड़ेगा। ओके, और इस लोकल एलईडी को यूज़ करने के लिए इन्वर्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक लोकल स्ट्रिप है जो 70 वोल्ट उसका रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग एक जो डबल कॉइल के इन्वर्टर मिलता है लोकल, हम लोग वो चीज़ इस्तेमाल किया, और उससे पहले हमको इसका जो इन्वर्टर का प्रोटेक्शन है वो रिमूव करना है। ये रिमूव करने के लिए यहाँ पे देखो इन्वर्टर जो आईसी था हम लोग यहाँ से रिमूव कर दिया। ओके, जो रेड निशान था वहाँ पे हम लोग जो इन्वर्टर आईसी था वहाँ से निकाल दिया, बिकॉज इसमें हमारे पास उस इन्वर्टर का डेटा शीट नहीं था, नहीं तो हम लोग उसको ग्राउंड करके भी सॉल्व कर सकता था। सो इस इन्वर्टर को हम लोग 24 इनपुट दिया और एडजस्ट बैकलाइट ऑन और ग्राउंड दिया। ठीक है, और आउटपुट में हमारा जो एलईडी जहाँ पे कनेक्टेड होना चाहिए था वहाँ पे वो कनेक्ट कर दिया, और ये प्रॉब्लम फिक्स्ड हो गया।
दो प्रोसेस हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। और ये पार्ट्स अवेलेबल होना चाहिए, बट ये अवेलेबल नहीं होने के कारण से हम लोग ये बाईपासिंग मेथड इस्तेमाल किया। ओके मेरा ऑनलाइन क्लास अभी कुछ दिन से स्टार्ट हुआ है। कोई अगर ऑनलाइन में कोर्स करना चाहते हो तो हमारे पास कमेंट्स करके बता सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड है तो। ऐसे ट्यूटोरियल बना हुआ है हमारे पास काफ़ी सारा, जो हमारा वेबसाइट के द्वारा ये कोर्स होता है। ओके अगर कोई किसी को इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट्स करके बताइए। ठीक है।